हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम क्रैक पॉइंट में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छा एक न्यूज़ देने वाला हूं, यानी जेएसडब्ल्यू स्टील का तरफ से दोस्तों वैकेंसी आ रहा है 2020 में। दोस्तों, आई होप ये वैकेंसी जो है डिस्क्लोज हो जाएगा फरवरी तक। तो आपको अगर अप्लाई करना है, आप जितना जल्दी हो सकता है आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ये जॉब जो है ये फ्रेशर्स लोगों के लिए है, यानी आपका पास अगर इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दोस्तों, मैं वीडियो चालू करने से पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ आपको कि ये जॉब जो है ये परमानेंट जॉब है, इसमें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नहीं है। और दोस्तों, इसमें कोई भी अप्रेंटिसशिप का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये परमानेंट जॉब है, टेम्पोररी जॉब नहीं है, ये फिक्स जॉब है, ठीक है, रेगुलर जॉब है। दोस्तों, जेएसडब्ल्यू ऑलरेडी आप जानते हो, आई होप, जेएसडब्ल्यू क्या है क्या नहीं है। मैं ये सब चीज़ बता के वीडियो लंबा करना चाहता नहीं हूँ। और जेएसडब्ल्यू के लिए अगर आपको और भी ज़्यादा कुछ जानने के लिए अगर अच्छा आपका इच्छा है तो आप गूगल में सर्च करके आप देख सकते हो, वन ऑफ द लीडिंग स्टील कंपनी इन आवर इंडिया। और इसमें दोस्तों, ये जॉब मैं वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जॉब जो है बीटेक वालों के लिए है, बीटेक और बी वालों के लिए है। तो अगर आपके पास बीटेक या तो फिर बी है तो आप अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास डिप्लोमा या तो फिर आईटीआई है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। दोस्तों, इसमें जो है आपको सैलरी मिल जाएगा 4 लाख से लेकर के 4.5 लाख का बीच में पर एनम, यानी आपका जो पैकेज होगा ये 4 लाख से लेकर के 4.5 लाख का बीच में होगा। बहुत ही अच्छा पैकेज दे रहा है फ्रेशर्स लोगों के लिए। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा ओवरऑल एक व्यू देने वाला हूँ कि इसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है सारा चीज़। और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आप अप्लाई कैसे करोगे, क्योंकि वीडियो बनाने का कुछ मतलब ही नहीं है अगर जो लोग वीडियो देख रहा है वो लोगों का पूरा 100% डाउट क्लियर नहीं होगा। तो दोस्तों, देखिए, पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, यहाँ पर देखिए बी टेक इसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ऑल इंजीनियरिंग स्ट्रीम, या तो फिर अगर आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, आप इंस्ट्रूमेंटेशन, मेटलर्जी, अगर आपका पास बीटेक का डिग्री है, बी का डिग्री है, तो आप अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और आपका जो है जॉब लोकेशन अक्रॉस इंडिया होगा और ये फरवरी 2020 तक डिस्क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो आपको जितना जल्दी अगर आप इच्छुक हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो, देन एज सून एज पॉसिबल आप अप्लाई कर दो। तो दोस्तों, ये हो गया कंपनी वेबसाइट, ये कंपनी वेबसाइट आप देख सकते हैं। कंपनी के लिए अगर आपको कुछ जानने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप कंपनी का वेबसाइट से ऑफिशियली देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों, ये जॉब जो है पोजीशन यहाँ पर देख सकते हैं, कस्टमर रिलेशन ऑफिसर का जो है वैकेंसी आया है। और इसमें एक्सपीरियंस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्सपीरियंस जो है 0 से लेकर 1 ईयर लिखा हुआ है, यानी आपके पास अगर एक्सपीरियंस नहीं है 0 ईयर से, आप अगर फ्रेशर्स हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों, उसके बाद देखिए एक चीज़, यहाँ पर जॉब लोकेशन में बेंगलुरु, चेन्नई, पुणे, कोयम्बटूर, निजामाबाद, सोलापुर, वायसायक यानी विशाखापट्टनम, अकोला, चंद्रपुर, इतना सारा लोकेशन दिया हुआ है अक्रॉस इंडिया, ठीक है। क्वालिफिकेशन बीटेक है, ऑल इंजीनियरिंग स्ट्रीम, कैन अप्लाई विदाउट एनी डाउट। एज रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर कुछ बोला नहीं है, तो आपका पास बीटेक डिग्री है, बी है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। एज यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है दोस्तों। तो जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में अगर दोस्तों हम लोग बात करेंगे, ये जॉब डिस्क्रिप्शन है आपका, जॉब क्या क्या होगा यहाँ पर देखिए, चैनल सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन सेल्स, बिजनेस डेवलपमेंट, कॉन्ट्रैक्टर्स एंड डीलर, और उसके बाद जो है टारगेट ओरिएंटेड आपको जॉब वहाँ पर फेस करना पड़ सकता है। दोस्तों, ये रहा ओवरऑल व्यू। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिए हो और अगर आप सोच रहे हो मनी मन में कि मेरे को अप्लाई करना है, तो दोस्तों अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, अप्लाई करने के लिए आपको naukri.com में आना पड़ेगा, ठीक है, naukri.com में आपको आना पड़ेगा। अगर आपके पास naukri.com है तो ठीक है, या तो फिर आप गूगल में सर्च करके वहाँ पर अकाउंट बना के वहाँ पर जा सकते हो। और अगर आपका अकाउंट पहले से ही है तो आपको आई होप कि आपको पता होगा। तो दोस्तों, अगर आप एक जॉब सीकर्स हो तो आई होप कि आपका naukri.com में अकाउंट है, ठीक है। तो naukri.com में अकाउंट आप अगर नहीं है तो ओपन कर लीजिएगा, उसके बाद वहाँ पर जा करके आप देख सकते हैं, जेएसडब्ल्यू स्टील लिख करके सर्च करोगे तो ये कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर का एक वहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। तो वहाँ पर जा करके आपको देखिए, यहाँ पर जॉब हाइलाइट्स वगैरह दिया हुआ है, मैं जितना सारा चीज़ आपको ओवरऑल बताया हूँ सारा चीज़ वहाँ पर दिया गया है। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया हूँ कि वहाँ पर जो है 12 वैकेंसीज है, यानी 12 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। और लोकेशन तो मैं आपको ऑलरेडी बता दिया हूँ, जॉब जो है अभी तक नॉट डिस्क्लोज्ड, मतलब अभी भी ओपन है, आप अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दोस्तों,
अप्लाई करने के लिए आपको नीचे यहाँ पर दिख रहा होगा कि अप्लाई यहाँ पर लिंक दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको क्लिक करके ही अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पर नीचे अप्लाई बटन मिलेगा, वहाँ पर क्लिक करके आपको अप्लाई करना है। अगर कुछ भी और भी आपको डाउट है तो यहाँ पर सारा चीज़ दिया हुआ है, ईच एंड एवरी थिंग यहाँ पर दिया हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हैं एक चीज़ की एम्प्लॉयमेंट टाइप जो है फुल टाइम है और परमानेंट जॉब है। ठीक है, और आपका रोल्स जो होगा सेल्स एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, आपका जो है सेल्स रिलेटेड सारा चीज़ होगा। ठीक है, इंडस्ट्री टैब आपको ऑलरेडी पता है क्या है नहीं है, फंक्शनल एरिया मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप naukri.com में जा करके अप्लाई कर सकते हो। अगर कुछ आपको जानना है तो अबाउट कंपनी में जा करके आप सारा चीज़ देख सकते हो, रेटिंग्स वगैरह रिव्यू वगैरह यहाँ पर देख सकते हो, बेनिफिट्स वगैरह क्या क्या है नहीं है, आपको क्या क्या चीज़ मिलने वाला है, जॉब शेडिंग, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, सारा चीज़ आप देख सकते हो, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दोस्तों अगर आपके पास naukri.com में अकाउंट नहीं है तो आप अकाउंट ओपन कर लेना और करने के बाद जो है अप्लाई कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एप्लीकेशन का लिंक्स, वहाँ पर आप क्लिक करके सीधा naukri.com का प्रोफाइल में जा करके वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों फिलहाल वीडियो इतना था कि फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, कुछ डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसा ही एग्जाम रिलेटेड जॉब रिलेटेड न्यूज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि उसमें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप अपडेट होते जाओगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।